अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, सूचना के प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, विज्ञान टेक्नोलॉजी के राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुंदे सने के केंद्रीय मंत्री हैं कामकाज सांभिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हुंदा आखना है कि सरकार चीन से पाकिस्तान कन्ने बन्ने वाले मुद्दे ते बन्ने पारा चलार दे आतंकवाद के मुद्दे हल करने पर देग मदा ध्यान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उच्च सतह की सुरक्षा समीक्षा बैठक की प्रधानता करते हुए रियासी आतंकवादी हमला करने वाले ते उनकी शह ते समर्थन देने वाले की सख्त सजा देने का दवाया भरोसा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 18 जून थमां जम्मू शाह सांझी छत तोड़ी शुरू करोग हेलीकॉप्टर सेवा। नमस्कार, डोगरी खबरें दे संग च तुंदा स्वागत है। हुण पेश ने खबरां तफसील कन्नै। नमे बनाए गए केंद्रीय मंत्री परिषद के कई नवे कैबिनेट मंत्री आज अपना कामकाज सांभी लिया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज कामकाज सामने आले प्रमुख मंत्रियों च शामिल ने। गृहमंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्रालय का भी कामकाज सांभिया। डॉक्टर एल मुरगन और सूचना ते प्रसारण राज्य मंत्री के तौर पर कामकाज सांभी लिया है, जिसल कि हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम ते कुदरती गैस ते गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति महकमे का कामकाज सांभिया। अज कामकाज सामने आले होरने मंत्रियों च किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जयंत चौधरी शामिल ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होर अज कामकाज सामने मगरा मीडिया आले कन्नै गलबात करदे होए आख्या जे भारत पहले ते वासुदेव कुटुंबकम भारतीय विदेश नीति दियां प्रमुख दिशा होंगन। उन्हें मेद बुझी जे मोदी 3.0 दी विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च मती कामयाब रोग। डॉक्टर एस जयशंकर होर आख्या जे लगातार 3 वारी सरकार बना उन्दे लई इक बड्डी कामयाबी है ते अज दुनिया च हर कोई इस गल की महसूस करदा जे भारत च इक मजबूत सियासी टिकाव है। प्रधानमंत्री होर आख्या जे विदेश नीति मुख तौर पर चीन ते पाकिस्तान कन्नै बनने वाले मसले अल तुपने दे बन्ने पारा चलार दे आतंकवाद का समाधान कड़ने पर टिके दियोग। इन एनहांसिंग आवर टूरिज्म फ्लोस सो दिस हैज बीन द रिकॉर्ड सो फार। लुकिंग अहेड डेफिनेटली आई थिंक द टू एक्सियम्स दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अस, भारत फर्स्ट एंड वसुधैव कुटुंबकम, दीज विल बी द टू गाइडिंग एक्सियम्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। स्वतंत्र प्रभार कन्नै साइंस ते टेक्नोलॉजी दे केंद्रीय राज्य मंत्री दे तौर पर कामकाज सामने मगरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें अज आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च सरकार ने विज्ञान ते प्रौद्योगिकी की हर घरै तोड़ी पजाया है। उन्हें आख्या जे इस क्षेत्र की छड़ा शोध ते नवाचार तोड़ी गै सीमित नहीं रख्या गया, सगुआ ढांचागत विकास का मुख हिस्सा बनाया गया है। उन्हें आख्या जे 2014 च जिसलै देश च स्टार्टअप शुरू किए गए हे तां इंदी गिनती बड़ी थोड़ी ही ते हुण इह 1.5 लाख तोड़ी उपर पुजी गई है। And this is evident from the statistical figures that you must have gone through. When we started off in 2014, there were hardly 350 to 400 startups in this country. Today it's gone up to more than 1.5 lakh. We have unicorns on virtually each sector. For example, in biotechnology, we just have 50-odd startups. 800 startups today is more than 6,000. Our bioeconomy has gone up. Prime Minister Modi has made science and technology enter virtually every Indian household. It's not only confined only to research, innovation, it's also been
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना तहत देहाती शहरी खेतरें च और 3 करोड़ घरें कोठे के निर्माण वास्ते माली सहायता देने का फैसला किया है, पर सरकार मुस्तहक ग्रामीण ते शहरी इलाके च रहने वाले लोगों की बुनियादी सुविधाएं समेत घरें के निर्माण वास्ते 2015-16 कोला सहायता उपलब्ध करवा दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना तहत पिछले 10 बरें दौरान मुस्तहक गरीब परिवारों लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख घरें का निर्माण मुकम्मल किया गया। इस योजना तहत जिन्हें घरें का निर्माण किया गया है उनके शौचालय, LPG गैस कनैक्शन, बिजली कनैक्शन, पानी लई नलके दे कनैक्शन जने बुनियादी सहूलतें ते केंद्र ते राज्य सरकार दी और योजनाएं मुजब सुविधा शामिल ने। अज केंद्रीय मंत्रिमंडल दी बैठक च फैसला किया गया जे मुस्तहक परिवारें दी गिनती च वाधे मुजब घरें दी जरूरत की पूरा करने वास्ते ग्रामीण ते शहरी इलाके दे बसनीकें गी और 3 करोड़ घरें दे निर्माण वास्ते सहायता उपलब्ध करवाई जा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अज पुलिस मुख्यालय जम्मू च एक उच्ची सतरी सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिदे च जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविल प्रशासन के अधिकारियों हिस्सा लेता। एक सोशल मीडिया पोस्ट च उपराज्यपाल और लोगों की भरोसा दवाया जे रियासी दे यात्रुओं पर हमला करने वाले की ते उन्हें सहायता ते बढ़ावा देने वाले की लोड़ती सजा दी जाग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदी अध्यक्षता च एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसल की बैठक च समर्पित बैकवर्ड क्लासिस कमीशन कायम करने गिते मंजूरी दे दी गई है। इसके कन्ने मुकामी इदारे च जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लाज अमेंडमेंट एक्ट 2024 मुजब पिछले वर्गे का आरक्षण च सखाल होई जाग। कमिशन कोल सबने मुकामी इदारे च मुकामी इदारे दे आउंदे चुनाव शा पहले पिछले वर्गे दी नुमाइंदगी दे संदर्भ च अनुभव मुजब अध्ययन ते जांच दा मैंडेट होग। प्रशासनिक कौंसल ने जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बिल 2024 दे उस ड्राफ्ट की भी मंजूरी दे दी है जिहड़ा भारत सरकार दे गृह मंत्रालय की सौंपिया जाग ते जिसी भारत दी संसद दे सामने रख्या जाणा है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू होरें केंद्र शासित प्रदेश च समूचले कृषि विकास प्रोग्राम HDP फ्लैगशिप की अमलावरी बारे एक जायजा मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग च बक-बक जिले के किसानों की एप्लीकेशन की स्थिति, दक्ष किसान पोर्टल राहीं उनके कौशल माली इदारे आस्ते करसाने की द्वार कर्जे के विस्तार से परियोजना अनुसार एक अवधि च करसाने की प्रगति की दसने वाली अजे धोड़ी की स्थिति बारे विस्तार चर्चा की गई। मुख्य सचिव होरें केंद्र शासित प्रदेश की नस्ल की गुणवत्ता च वाधे वास्ते माल समयान के आयात पर जोर दिता। श्री डुल्लू होरें किश्तवाड़ के स्पाइस पार्क कायम करने बारे प्रगति, मखीर के परीक्षण वास्ते NMR तकनीक, FPO की सहायता, बेसलाइन सर्वे निर्माण, जैव कृषि के प्रोत्साहन वगैरह कने जुड़े दे मुद्दे मामले की स्थिति का जायजा लेता जिंदे ने जम्मू कश्मीर च राई बाई का बड़े पैमाने पर विकास हो सके। श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा वास्ते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आसिया 18 जून थमा जम्मू शाह सांझी छत तोड़ी हैलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग होरें दस्सिया जी इस सेवा शुरू होने मगरा श्रद्धालु एक दिन च गए दर्शन करिए वापस परतोई सकते हैं। डायरेक्ट हेली सेवा शुरू की जा रही है और उसके अंदर पैकेज के तहत अन्य जो अलाइड सेवाएं हैं जैसे कि बैटरी कार सेवा, प्रायोरिटी दर्शन या प्रसाद की सेवा और रोपवे की सेवा, वो सभी सेवाएं इसके अंदर एज अ पैकेज ऑफर की जा रही हैं और हमारी वेबसाइट से ये सर्विसेज कल रिलीज हुई हैं और 18 जून ऑनवर्ड्स जैसा आपने बताया कि लोग अपनी बुकिंग्स हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथली हमारी जो यात्रा है इस महीने चल रही है, इनफैक्ट पूरे साल से चलती आ रही है और अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो पिछले 3 साल से एक बढ़ता हुआ आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है और इस साल भी बात करें तो इस साल कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से अगर हम शुरुआत करें तो आज तक तकरीबन 44 लाख यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पधार चुके हैं। 3 नवे अपराधिक कानून 1 जुलाई थमां अमल च आए जांगन। कानून लागू करने वाली एजेंसी के माहिर का आखना है जे 3 नवे अपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 ते भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मकसद ब्रिटिश समय के 150 बरे पुराने कानूनों की बदलना ते देश की अपराधिक न्याय सरिश्ते की मजबूत करना है। यह नवे अपराधिक कानून छड़ा सजा देना गया नहीं सगुआ न्याय देने के उपर केंद्रित न ताजे पीड़ित की न्याय हो सके। इदे शा पहले छड़ा उन्हें पुलिस थाने च गया मामला दर्ज किया जाता है जिथे अपराध होएदा है, पर हुण यह मजबूरी खत्म की गई है जिदे कन्ने पीड़ित देश की कुसै भी थाने च जाइए अपना केस दर्ज करवाई सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले च लोगों का उत्साह बधाते हुए अज एक सोशल मीडिया पोस्ट राही आख्या जी लोगों के बख-बख थारे बशकार दूरियां घट करने लिए योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। उन्हें आख्या जी हर कुसा की चाहिए जी योग की अपने जीवन का हिस्सा बनाने। मोदी होरें योग आसन वाले कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर बरे 21 जून की मनाया जाता है। नवी शिक्षा नीति के संबंध में डिग्री कॉलेज रामबन च एक कार्यशाला लगाई गई। प्रिंसीपल प्रोफेसर रचना कोल ने इसकी प्रधानता की। कार्यशाला च 9 सरकारी हायर सैकेंडरी स्कूलों के प्रिंसीपल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रतिभागियों च चीड़ के पौधे ते प्रमाण पत्र भी वंडे गए।
एजुकेशन पॉलिसी ट्रांसफॉर्म द एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड वी आर हैविंग दिस पॉलिसी आफ्टर 30 इयर्स अपडेटेड आवरसेल्फ्स एंड प्रवेश प्रक्रिया पर रीजनल लैंग्वेज और इंडियन कल्चर के ऊपर बेस जरूरत थी इस अवेयरनेस की इसलिए भी क्योंकि जब हमारे बच्चे 12th के बाद आगे हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं तो उनको अभी पूरा सिस्टम का पता नहीं है क्योंकि एनईपी ने बहुत सारी चेंजेस अपने साथ ले लाई हमारे यहाँ पे कैरिकुलम क्या है एज पर द एनईपी वो भी हमने उनको अवेयरनेस उनकी करी है कि जब टीचर्स अवेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आएंगे वो अवेयर स्टूडेंट्स आएंगे सरकार असे दुद्ध की बढ़ावा देने लिए डेयरी उद्योग की अगे बढ़ाने आस्ते कई जतन किए जा रहे हैं सांबा जिले इस संबंधी की जा रही कोशिशें बारे जानकारी देते हुए सांबा जिला पशु पालन महकमे के जिला अधिकारी डॉक्टर राहुल देवोरा दसिया तो इसमें जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो सपोर्ट के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स दी जाती हैं जैसे IDDS हमारी एक स्कीम चलती है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है सब्सिडी सरकार देती है एक किस्म के प्रोत्साहन के लिए आपको है आपको मिल्किंग मशीन चाहिए या ठंडे रखने के लिए दूध को चाहिए तो इस तरीके की भी सारी जो उसमें स्कीम्स रहती हैं तो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम जो है वो स्टेट की तरफ से चलाई जाती है इसके साथ साथ आप एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारी ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म जिसमें 50 पशु से लेके जो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें 50 जानवरों का प्रावधान है अदरवाइज 200 जानवर तक का एक ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म हम लोग जो है वो बना सकते हैं लेवेंडर की राई वाई कन्ने ना छड़ा डोडा च कृषि करने के तरीके च बदलाव आ रहा है सगुआ एरोमा मिशन कन्ने नौजवानों की कृषि खेतर आली बखी आकर्षित करने च मदद थवा दी है इस चाली का बदलाव मता महत्वपूर्ण है कीजे नौजवान हूँ सरकारी नौकरी के बजाय लेवेंडर की खेती करने आली बखी भी ध्यान दे रहे हैं डोडा के सहायक फ्लोरीकल्चरल आफिसर पवन कुमार होर आख्या जी एरोमा मिशन की कामयाबी कन्ने इलाके च रोजगार के मौके बधने कन्ने माली तौर पर लोग मते मजबूत होए ने गवर्नमेंट से यही है कि इसका रेट जो है तो उसको अच्छा करे मतलब कि हमारी मार्केटिंग होनी चाहिए अच्छे से सेल करने चाहिए किसानों की आमदनी डबल तो हो गई है बल्कि 4 गुना 6 गुना बढ़ गई है तो इससे किसान बहुत खुश हैं पिछले साल ऑयल का जो थोड़ा सा था इशू रहा था कि ऑयल में थोड़े कम था लेकिन इसमें अब ये फूल वगैरह बेच रहे हैं इसमें फायदा आज की डेट में हमारा जो ड्राई फ्लावर है लेवेंडर का इसकी काफी ज्यादा डिमांड है लोकल मार्केट में भी और बाहर की मार्केट में भी तो हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि वो इसकी ड्राई फ्लावर की प्रोडक्शन की तरफ जाएं ताकि वो जो मुनाफा है इसका 3 से 4 गुना वो कमा सके देश के दे बाकी हिस्सों ने लेखा बनने वाले जिले पुंछ च भी किसान मच्छी पालन राय मुनाफा हासिल करा रहे हैं पुंछ जिले की तहसील मंडी के पहाड़ी ग्रां राजपुरा के रौने वाले बिलाल अहमद आखना है जी पहले अस छड़ी मक गए खेतर च रहा है पर हूँ मछली पालन का काम शुरू करने मगरा माली तौर पर उन्हें मता फायदा हासिल हो रहा है उन्हें दसिया जी ये कन्या ना छड़ा उन्हें आत्मनिर्भर बनने मदद थवा दी है सगुआ उन्हें नौजवानों की भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है उन्हें आख्या जी पुंछ के मच्छी पालन महकमे आसिया केंद्र सरकार की योजना का लाभ पजाना इलाके के किसानों लिए वरदान साबित हो रहा है किया तो उन्होंने हमें सीड और फीड भी प्रोवाइड करी तो कुछ पेमेंट भी करी तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला तो उसके बाद हमने इसका स्टार्ट किया तो अच्छा चल रहा अभी तक तो अब ये हो रहा है कि यूनिट जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है उसके बाद एक तो नौजवान यहाँ पर सेटल हुए हैं इनका रोजगार चला है अज रजौरी दिवस पूरी चाली रिवायती जोशो जज्बे कन्ने मनाया गया इस दिन 1948 च रजौरी की आजादी लिए अपनी जिंदू का बलिदान देने वाले शहीद के मान च मनाया जाता है एस आफ स्पेस डिवीजन के GOC मेजर जनरल गौरव ऋषि होर शहीद की श्रद्धांजलि दी इस समारोह दौरान भारतीय फौज आसिया कई कार्यक्रम लवाए गए जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने ईद से आते होने त्यारियों की तैयारी का जायजा लेने लिए आज एक बैठक लाई इस मौके पर उन्हें संबंधित महकमे की सभी जरूरी इंतजाम करने लिए आख्या दूरदर्शन खबरें कन्ने गलबात करते हुए उन्हें आख्या जे इस चाली के जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों की कोई परेशानी नहीं होवे उन्हें दसिया कल होने वाली खीर भवानी माता यात्रा लिए भी जम्मू च सारे जरूरी इंतजाम किए गए हैं दिया गया है ताकि अच्छे से त्यौहार मना सके और जो है उनको एडवांस में ईद की मुबारकबाद भी शुभकामनाएं भी देता हूँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं कोई किसी प्रकार की ताकि परेशानी ना पाए कल उसका फ्लैग ऑफ भी है सुबह
नगरोटा से, जिसमें डिविजनल कमिश्नर साहब फ्लैग ऑफ करेंगे डीजी साहब के साथ, और सभी तैयारियां कर ली गई हैं, सारा कुछ टाइड अप है और अच्छे से हो जाएगा। पुंछ च शहीद हवलदार अब्दुल माजिद दिन रात आली क्रिकेट प्रतियोगिता का सरिस्ता किया जा रहा है। इसका उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर यासिन एम चौधरी ने किया। इस मौके पर एसएसपी पुंछ जुगल मनहास से शहीद हवलदार अब्दुल माजिद उनके पिता मोहम्मद राशिद भी मौजूद है। जिले के बख बख हिस्से थमां 24 टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लै रही हैं। पुंछ च दिन राती खेड जाने वाली यह पहली क्रिकेट प्रतियोगिता है। जम्मू सोए आली जोन च आने वाले स्कूलों लिए इसलिए समर कैंप लवाए जा रहे हैं। डोगरी खबरें दे इस अंक च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।